नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी मथुरा से मिल रही है, जहां कपड़ों के शोरूम में भीषण आग लग गई। सुबह करीब 4 बजे आग लगी थी। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बेसमेंट में ये आग लगी और 3 मंजिला शोरूम को अपनी जद में ले लिया। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। थाना कोतवाली वृंदावन इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मथुरा से, जहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया। कपड़ों का शोरूम बताया जा रहा है जहां पर ये आग लगी। हालांकि वजह साफ नहीं हो पाई है कि आग लगने के कारण क्या है। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुरेश मेरे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुरेश जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आग लगने के कारण क्या है? जी काजल, मैं आपको बता दूं, ये मामला आज सुबह उस समय का है जब लगभग 4 बजे वृंदावन में जो एक वृंदावन गारमेंट के नाम से कपड़े का शोरूम था, उसमें अचानक आग लग गई। और आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते वो जो पूरा जो शोरूम था वो आग की लपटों में गिर गया। हालांकि इसमें अभी किसी तरह का जानमाल का खतरा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से जो गारमेंट मालिक था, उसको जैसे ही इसकी जानकारी हुई, उसने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड ने मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां भेजकर आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया है। लेकिन इस तरह से जो फायर कर्मी जो थे, उन्होंने ऊपर जो रहने वाले 2 व्यक्ति थे उनको सकुशल बचा लिया है। हालांकि इस पूरी आग में लगभग कई लाख रुपए का माल जो है वो जलकर राख हो गया है। बिल्कुल सुरेश, क्या किसी के हताहत होने की जानकारी या फिर क्या कारण क्या है आग लगने के, शॉर्ट सर्किट क्या वजह बताई जा रही है? चूंकि अभी तक इसका पूरी तरह से, ये तो जांच में पता चलेगा कि आग के कारण क्या थे, लेकिन हालांकि अभी तक जो जानकारी हो पाई है, जिस तरह से गारमेंट मालिक जो थे उन्होंने बताई और जो फायर विभाग के जो अधिकारी थे मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया, उन्होंने बताया कि अभी तक जो देखने को और जो जांच में पता चला है, वो शायद शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी होगी। क्योंकि गारमेंट का काम था और गारमेंट जो है कपड़े बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, और कई मंजिला, ये 3 मंजिला जो है बिल्डिंग थी जिसमें ये आग लगी थी, और चूंकि पूरे में कपड़ा भरा हुआ था तो उसकी वजह से आग जो है बहुत भयंकर रूप ले चुकी थी और काफी मशक्के और कई घंटों की मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मथुरा से बड़ी जानकारी मिल रही थी, जहां पर कपड़ों के शोरूम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत को आग ने अपनी जद में ले लिया। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन लाखों का नुकसान बताया जा रहा है।